तो गाइस स्वागत है आप सभी को मेरे माइक ऑफ 1.18 सर्वाइवल लेट्स प्ले और ट्यूटोरियल के एपिसोड नंबर 2 में। तो गाइस पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक वर्ल्ड को क्रिएट करा था, जैसे कि 1.18 आ चुका था तो हम लोगों ने एक वर्ल्ड को क्रिएट करा और फिर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते हम आ पहुंचे इस केव के अंदर जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसके बाद यहाँ वहाँ आस पास हम लोगों ने थोड़े बहुत डायमंड को कलेक्ट करा था और कलेक्ट करते करते भाई मेरे पास अभी फिलहाल के लिए भाई 12 डायमंड अभी मौजूद है और साथ में एक पिकेक्स भी मैंने बना लिया था। तो और मैं जैसे यहाँ पे पिछले वीडियो में मैं यहाँ पे नजर नहीं आया, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे ही मतलब आ गया था, यहाँ पे ऐसे ही मैं आ गया था, ठीक है, टहलते हुए यहाँ पे आ गया था। वो देखो स्लाइम यहाँ पे, भाई स्लाइम इतने सारे स्पॉन हो रहे हैं भाई, क्या ही बोलूं भाई। स्लाइम को मारते मारते मेरे पास 53 स्लाइम बॉल्स हो गए भाई, जो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आगे के काम को कर सकता हूँ, ठीक है। और गाइस पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि ये डायमंड माइनिंग या फिर स्टार्टर फार्म्स का वीडियो मैं बनाऊंगा एपिसोड 2 में, मतलब दोनों में से एक वीडियो को मैं बनाऊंगा एपिसोड 2 के अंदर, वो वीडियो तो मैं एपिसोड 3 में बनाऊंगा, ठीक है। देखो अभी मेरे पास उतना भी ज्यादा मटेरियल्स नहीं है, तो मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए भाई ऑफलाइन में बहुत कुछ खेलना पड़ेगा, बहुत थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। अगर आप भी नाइट विजन मतलब यहाँ पे 1.18 में नाइट विजन पैक अगर लगाना चाहते हो तो नीचे जो कॉमेंट पिन किया हुआ है कॉमेंट मिलेगा आपको, वहां से आप इसको इजिली डाउनलोड करके आप इंजॉय कर सकते हो। क्योंकि भाई देखो 1.18 में केव के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, आप एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, इतने सारे टॉर्चेस जो बहुत सारे टॉर्चेस लगेंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप नाइट विजन पैक इस्तेमाल करके आप खेल सकते हो, ठीक है। तो कमेंट में जाओ, पिन किया हुआ कमेंट मिलेगा, तो वहां पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो इस नाइट विजन मतलब पैक को, ठीक है। यहां से मैं ऊपर आया था, ठीक है, नीचे नहीं भाई, बहुत सारे मॉब्स हैं। तो पिछले एपिसोड में मतलब ऐसे ही मैं यहां पे डायमंड को कलेक्ट करने आया था, ठीक है, और यहां वहां देखा था, पर यार मेरे को यहां पे ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरी नजर नहीं गई, हालांकि मैं ऊपर तक देखा, यहाँ पे एक जमीन जियोड मेरे को मिला था। और भाई जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे कोई स्पॉनर वॉनर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मतलब ये जो कॉबल स्टोन है ना, दूर से मेरे को ऐसा ही लगा कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। और जैसे मैं यहाँ पाया भाई, कमाल के भाई यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉनर है भाई, तो एक्सपी का जुगाड़ तो यही से हो जाएगा। तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, आज मैं सोच रहा हूँ इसी का एक फार्म बनाऊं। और यहाँ पे जो दो चेस्ट आप देख रहे हो ना, इसको मैंने अभी तक मतलब खोला है, बट देखा है इसके अंदर क्या है, बट मैंने उन सारी चीजों को यहीं पर रखा है। तो गाइज यहाँ पे एक नेम टैग मिल चुका है एक हमारे डॉगी के लिए, और इसमें हमें 2 शैडल मिलता है तो और एक डायमंड हॉर्स आर्मर जो बहुत ही अच्छा है, तो हम लोग अभी घोड़सवारी भी कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मुझे इस फार्म को बनाने से पहले मुझे काम को करना होगा, जो मेरे इन्वेंटरी में जो बहुत सारे चीजें मैंने रख रखा है ना, उसको सबसे पहले मुझे चेस्ट के अंदर ठूसना होगा, तभी मैं आगे के काम को कर पाऊंगा। तो फिलहाल के लिए यही पे रख देते हैं, ठीक। ये देखो भाई, ये देखो नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया भाई। तुम लोगों का कुछ ही देर में एक फार्म बनेगा, वहां पे तुम लोग ना इतने पिटोगे ना यार, क्या ही बोलूं भाई। तो मैंने थोड़े से चीजों को यहाँ पे ठूस के रख दिया है, ठीक है। तो अभी चलो फिलहाल के लिए मुझे जाना होगा ऊपर, एक ऊपर की साइड को जाना होगा मेरे को, तो वहां से मेरे को लाना होगा 2 बकेट पानी, जो बहुत ही ज्यादा काम में आएगा इस फार्म के लिए भाई, 2 बकेट पानी तो चाहिए ही चाहिए। और मैं इस फार्म को ना बहुत ही ज्यादा सिंपल रखने वाला हूँ। रात हो रही है और वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी है, तो मैं जा पाऊंगा वैसे फिलहाल के लिए ना यहाँ पे हम सो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी आ रहा है मेरे को मारने के लिए, बट यार पानी में बह गया वो। ओके यहाँ पे क्रिपर का है आ गया भाई, फुट जा। ओके बहुत हार्ड अपने ही बंदों को मार, ठीक है। ओके तो चलो पानी को तो ले लिया है, ठीक है, अभी चलो वापस से वहीं पे। अभी चलो सबसे पहले इस फार्म को बनाने के लिए भाई एक ही चीज करना होगा आपको, जो मतलब एक ही चीज है। सबसे पहले तो भैया इस ये जो स्पॉनर है ना, इसको ब्लॉक कर देना, वरना यहाँ पे जो है बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इन सब चीजों को तोड़ना होगा। ओके तो मैंने सारी की सारी चीजों को ले लिया है, और अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 और यहाँ पे है 1 2 3 और यहाँ पे है 1 2, मतलब ये जो चेम्बर है ना, इसको चारों साइड पे चार चार ब्लॉक्स करके आपको कर देना होगा, मतलब ये जो रूम है इसको 9x9 का बनाना होगा। तो ये देखो 1 2 3 एंड यहाँ पे एक और हम लोगों को ब्लॉक को तोड़ना होगा, तो यहाँ पे हो गया 4। इस साइड भी सेम, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 4, इसको तोड़ने से। काहे के लिए आते हो तुम लोग। 1 2 एंड 3 एंड 4 यहाँ पे हमें रखना होगा, यहाँ पे ऐसे, मतलब ये जो रूम है ना ये 9x9 का होगा। तो चलो फटफट यहाँ पे 9x9 का रूम बना लेते। ओके तो गाइस ये देखो मैंने 9x9 का एक प्लेटफॉर्म, अरे चुप करना यार, 9x9 का एक रूम बना दिया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी ये जो स्पॉनर है ना इसके नीचे की ओर मतलब आपको 2 ब्लॉक्स डिग करना होगा, ठीक है, 1 एंड 2 और यहाँ पे भी 1 एंड 2 एंड यहाँ पर भी 1 एंड 2
यहाँ पर भी वन एंड टू। आप एक काम करो, तीन ब्लॉक्स डिक कर दो, ठीक है, हाइट लिमिट की तो बात नहीं है, ठीक है, तीन ब्लॉक्स करके डिक कर दो। ओके, तो गाइस ये देखो, ये हो जाने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा एक रूम का देखने को मिलेगा, रूम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको लेना है पानी, और देख लो पहले कौन सा साइड आपको देखना, मतलब बाहर जाना होगा, ठीक है। मतलब मेरे को तो यहाँ से बाहर जाना होगा, ये साइड मेरा बाहर जाने का रास्ता है कि इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखा है। खैर, तो अभी यहाँ पे डालो एक बकेट पानी, और एक बकेट पानी को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे पानी ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जो ब्लॉक, मतलब ये जो यहाँ पे पानी नहीं है, इस ब्लॉक को हटाओ यहाँ से, मतलब यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे ऐसे करके हटा दो। ओके, तो ये देखो, ये सारे, मतलब ये जो यहाँ पे ब्लॉक था इसको हटाने के बाद आपको अभी यहाँ पे जो ये वाला ब्लॉक देख रहे हो ना, ये वाला, तो इन सारे ब्लॉक को एक एक करके यहाँ से हटाओ, मतलब यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे इसको हटाओ, यहाँ पे इसको हटाओ, और यहाँ पे इसको हटाओ। जब भी आप यहाँ पे एक एक ब्लॉक करके इसको हटा दोगे, आपको एकदम मिडिल में आके, मतलब यहाँ पे आके रोक देगा। तो उसके बाद आपको यहाँ से एक दो तीन ब्लॉक्स इधर आना है, तो देखोगे पानी यहाँ पे नहीं आएगा। अभी आपको यहाँ से नीचे की ओर डिक करना होगा तीन ब्लॉक। तो मतलब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि मैं सर्वाइवल में हूँ, अगर यहाँ पे नीचे गड्ढा होगा तो मैं सीधा नीचे जाके गिरूंगा। तो यहाँ पे ऐसे करके प्रोटेक्ट रहेंगे, तो हमें यहाँ पे ऐसे करके तीन ब्लॉक नीचे मतलब खोद देना होगा, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे इस गड्ढे में आ जाओ और यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे एक छोटा सा आप अपने हिसाब से रूम बना लो। ओके, तो गाइस ये देखो, ये ऐसे करके आपको एक रूम बना लेना होगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ना ऐसे करके एक टॉर्चेस दे देना, वरना यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, जिससे यहाँ पे मॉब स्पॉन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्चेस देकर उजाला कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे करके दो ब्लॉक्स को यहाँ से हटाना होगा, और एक ब्लॉक को यहाँ पे ऐसे करके हटाना होगा। उसके बाद यहाँ पे रखना होगा आपको डबल चेस्ट, एंड एक हॉपर को लगाने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे आ जाओ, क्राउच हो जाओ, और यहाँ पे ऐसे करके लगा दो एक हॉपर जो सीधा चेस्ट से जुड़ेगा, और फिर वापस से यहाँ पे ऐसे करके दो ब्लॉक को रख दो। उसके बाद आपको लेना है स्लैब, और क्राउच होके यहाँ पे एक स्लैब को रख देना होगा, और एक स्लैब को रखना होगा यहाँ, इससे जो बच्चा ज़ॉम्बी है ना वो नहीं आ पाएगा। यहाँ पे एक और स्लैब को रख दो बिल्कुल ऐसे करके। ऐसे आप अगर यहाँ पे एक सॉलिड ब्लॉक जैसे दे दोगे, तभी ये फार्म अच्छे से, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा ब्लॉक्स को हटा दो। तो गाइस हमारा फार्म एकदम रेडी है, और अभी हमें यहाँ से बाहर भी तो जाना होगा ना। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सीधा ऊपर को चलता हूँ 2 hours later, और अभी यहाँ पे एक ट्रैपडोर को लगा दो, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और अभी यहाँ पे जाना होगा, बट उससे पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ से नीचे जाना होगा, ऐसे करके। ये देखो गाइस, ये दिखने में कैसा लग रहा है, आई थिंक अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं आयरन डोर लगा दूंगा, और भी एक कमाल का लगेगा। और अभी हमें सावधानी से हर एक टॉर्चेस को यहाँ से हटाना होगा, तभी हमारा जो फार्म है वो काम करना स्टार्ट करेगा। और गाइज हमारा फार्म एकदम बनके रेडी है, तो अभी ये जो सामान वहां से आया है इनको ले लो, और जरूर से यहाँ पे टॉर्चेस देके थोड़ा सा उजाला कर देना। और अभी यहाँ से एक्सपी भी हमें मिलता रहेगा भाई। तो ये देखो 16 हमें हो चुका है, एंड ये देखो यहाँ से हमें रोटेन फ्लैश और भी बहुत सारे ओपी चीजें हमें मिलेंगी। और भी ज्यादा लूट चाहते हो तो आप अपने शॉर्ट में लूटिंग 3 लगा लो, आपके ये फार्म में ना और भी ज्यादा आपको लूट मिलेगी। तो अभी चलो थोड़ी देर इनको मारते हैं, और देखते हैं हमें कितना एक्सपी मिलता है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास आयरन है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आयरन दे ही देता हूँ। चलो लावा का भी यूज हो गया, ये देखो। चलो देखते हैं हमें क्या, ये देखो ऐसे करके आपको मतलब लूट मिलता रहेगा, लूट और एक्सपी भर भर के मिलेगा, ठीक है। काम करता हूँ मैं ना, ये जो एमिथिस जियोड है ना यहाँ पे, ये जो एमिथिस जियोड है ना यहाँ पे, चलते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार। और अभी वहाँ पे देखो, वहाँ पे मैंने डायमंड को तोड़ा नहीं है, जब मेरे पास फॉर्च्यून 3 आएगा ना तब मैं उसको तोड़ूंगा। हालांकि डायमंड मेरे पास है तो थोड़ा तो है, बट यार इससे कोई काम नहीं चलेगा, और भी बहुत बहुत डायमंड मेरे को चाहिए। एक सेकेंड, मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपर तो मेरे पास था ना, हाँ ये रहा,
कॉपर मेरे पास है, तो कॉपर को ना एक काम करता हूँ, कॉपर को यहाँ पे स्मेल्ट होने छोड़ देता हूँ, इससे काम चल जाएगा। चलो ओके, तो हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, वहाँ पे क्रिपर है। चलो अभी इसके अंदर, इसका साउंड ना काफी कमाल का है, ये देखो। सबसे पहले तो भैया यहाँ से मैं नीचे ना गिर जाऊँ, वरना यहाँ से नीचे गिरूंगा ना, बाप रे भाई देखो यहाँ पे कितना गहरा है, मेरे पे भरोसा नहीं है। कब उछल कूद करने लगूं और भाई यहाँ से गिर जाऊं, भाई मौत हो जाएगी। वैसे यार मैंने सोचा कि खाली पीली यहाँ पे मैं बैठ बैठ के क्या ही करूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा काम ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया ताकि यहाँ पे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास लैडर तो नहीं है, तो चढ़ नहीं पाऊंगा, और यार ये बढ़ने में इतना टाइम ले रहा है भाई, एक भी ग्रो हुआ नहीं है अभी तक। चलो वैसे हमारा काम तो हो चुका है, जो अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक एंचेंटमेंट रूम भी बना लूंगा। यहाँ पे एक एंचेंटमेंट रूम होगा भाई, एपिक। यहाँ पे लावा का भी तो कुछ यूज करना होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे लावा गिर रहा है, और यहाँ पे हमारा एक एंचेंटमेंट रूम होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा शुगर केन। वैसे मैं कल से यहीं पे केव के अंदर ही हूँ, ऊपर गया नहीं हूँ अभी तक, जाने का मन ही नहीं करता यार, यहाँ पे एक्सप्लोर करते ही टाइम बीत जाता है यार। वैसे जो यहाँ पे मैं बनाने का सोच रहा हूँ ना, मैंने आज ही प्लानिंग करा है कि यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, आखिरकार यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो बनाना होगा ना, यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्या यार। दो नमूना यहाँ पे आ रहा है यार, मत आओ, मैं चिल्ला नहीं पा रहा हूँ यार, पहले से ही भाई थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो गाइस आज का ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके आप जरूर बोलना, ठीक है। इसको आप बना सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इस फार्म को आप मतलब बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ से आप काफी ज्यादा अच्छे से लूट भी कर सकते हो, एक्सपी भी मिल सकता है यार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, और आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो ताकि बाकी भी इसे देख के बना सके। तो 1.18 तो स्टार्ट हो चुका है, इसके साथ साथ बहुत सारे उपयोगी चीजें भी आएंगी, ठीक है। तो गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है, आप ऐसे वीडियोस को मिस ना कर दो। तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।